टू डिटरमाइन द क्रशिंग वैल्यू ऑफ एग्रीगेट्स, जो हमारा एग्रीगेट है रोड बनाने के लिए सबसे पहले हमको एग्रीगेट का जरूरत पड़ता है, एग्रीगेट का जो क्रशिंग वैल्यू है उसको कैसे हम फाइंड आउट करेंगे वो आज हम अपने इस लैब में सीखेंगे। सबसे पहले हमारा प्रिंसिपल है फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ द एग्रीगेट गिवन सैंपल, जो हमारे पास एग्रीगेट अवेलेबल होंगे रोड बनाने के लिए उसका हम क्या करेंगे स्ट्रेंथ फाइंड आउट करेंगे। स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमें टेस्ट करते हैं जिसका नाम है क्रशिंग वैल्यू टेस्ट, जो हमारा एग्रीगेट है उसका क्रशिंग वैल्यू कितना आएगा इसके लिए हम अपना टेस्ट परफॉर्म करेंगे, जिसमें हमारे रिक्वायर्ड मटेरियल जो होंगे रोड एग्रीगेट, इसको रोड मेटल भी कहते हैं, रोड एग्रीगेट में कौन सा रोड एग्रीगेट लेंगे हम, पासिंग थ्रू 12.5 mm ISC एंड रिटेन ऑन 10 mm, हम वो एग्रीगेट लेंगे जो हमारी ISC नंबर 12.5 mm से पास कर जाए और 10 mm पे रिटेन कर जाए, जो 10 mm पे रिटेन करेगा उस ये आपका जो हमारा 12.5 mm से पास करेगा और जो 10 mm पे रिटेन करेगा, जो 10 mm पे रिटेन हुआ है उसी एग्रीगेट को हम लेंगे। उस एग्रीगेट को लेने के बाद सबसे पहले हमारे पास जो एपरेटस होंगे उनके बारे में जान लेते हैं, रिक्वायर्ड एपरेटस हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं। एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू एपरेटस सेट, इसके लिए टोटल सेट आता है अभी आपको मैं दिखाऊंगा। उसके बाद हमको चाहिए CTM मशीन, कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन एपरेटस चाहिए, फिर सीव चाहिए, सीव में हमको 12.5 mm आपको पहले मैं बता चुका हूँ अभी दिखाऊंगा, 10 mm बता चुका हूँ। उसके बाद से हमको लास्ट में जब हम अपना टेस्ट परफॉर्म कर लेंगे CTM मशीन पे तो उसके लिए हमको सीव चाहिए 2.36, जब उसका हमें रिजल्ट निकालना होगा उसके लिए। उसके बाद से हमको ट्रे चाहिए, फिर टेंपो रॉड चाहिए एक्सेट्रा, ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे ऑपरेटर्स हैं जिनका हमें इस प्रैक्टिकल में ज़रूरत पड़ेगा। उसके बाद से जो हमारा टेस्ट प्रोसीजर है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके पहले जो हम ऊपर से करते हुए आ रहे हैं, सबसे पहले हम अपना एग्रीगेट जो हमारा होता है नेचुरल फॉर्म में ओपन एनवायरमेंट में रहता है उसमें कुछ मॉइस्चर होती है, उस मॉइस्चर को सुखाने के लिए सबसे पहले हम अपने एग्रीगेट को 3 से 4 घंटे के लिए ओवन ड्राई करेंगे, ओवन में ले जाकर रख देंगे, जिससे हम मानेंगे सपोज हम कर लेते हैं तभी हमारा जो एग्रीगेट है वो सैचुरेट है, वो ऑलरेडी हमारा ड्राई फॉर्म में है, सैचुरेट हो चुका है, एनवायरमेंट से जो हम लाए हैं वो सैचुरेट करवा के ही ले आए हैं सनलाइट में। पहला ये प्रोसीजर हमारा हुआ, पॉसिबल नहीं है 3 से 4 घंटा, हम आपको करके दिखाएं। दूसरा हम जो हमारे पास एग्रीगेट है टोटल एग्रीगेट को हम अपने ये हमारा जो टेस्ट प्रोसीजर है, सबसे पहले हम अपने ओपन एनवायरनमेंट से जो भी एग्रीगेट लाए उसको सेपरेट कर लिए 3 से 4 घंटे के लिए ओपन ड्राई करके। उसके बाद से हम उस अपने एग्रीगेट को सबसे पहले हम अपने ISC 12.5 mm में फिल करेंगे, उससे फिर सीव करेंगे, सीव करने के बाद जो 10 mm में जाकर रिटेन करेगा उसमें से हम अपना एग्रीगेट लेंगे, उतना एग्रीगेट लेंगे जितना हमारा जो सेट है एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू का उस मोल्ड में फिल हो सके। उस मोल्ड में फिल करने के लिए सबसे पहले हम अपना जो एग्रीगेट सीव किए हैं उस एग्रीगेट को 3 लेयर में फिल करेंगे। 3 लेयर में फिल करने के लिए हमारे पास एक मेजरिंग सिलेंडर होता है, मेजरिंग सिलेंडर जो हमारा है उसमें भी चाहे तो 3 लेयर फिल कर सकते हैं लेकिन उसका कोई ज़रूरत नहीं है, वो एडिशनल है, हम डायरेक्ट अपने मोल्ड में फिल करेंगे। उस मोल्ड में 3 लेयर में फिल करने के लिए सबसे पहला लेयर डालेंगे, पहला लेयर डालने के बाद उसको हम 25 टाइम्स टैंपिंग रॉड से टैंप करेंगे फ्री फॉल, उसमें कोई अपने पास लोड नहीं लगाएंगे, उसको क्या करेंगे फ्री फॉल उसको टैंप करेंगे। देन आफ्टर सेकेंड लेयर, देन आफ्टर थर्ड लेयर और ईच लेयर 25 टाइम्स टैंप करेंगे। उसके बाद से जो लास्ट सरफेस होगा, लास्ट सरफेस को हम क्या करेंगे अपने पास हमारे पास जो स्ट्रेट एज होता है उस लास्ट सरफेस को कट करके निकाल देंगे। निकालने के बाद उसमें हम अपना प्लंजर फीड करेंगे, प्लंजर फीड करने के बाद टोटल सेटअप उठाएंगे और ये जो तीसरा स्टेप हम जहाँ कर रहे हैं तीनों तो जो हमारा मोल्ड है, मोल्ड में जो हम अपना एग्रीगेट फिल किए हैं वो मोल्ड प्लस एग्रीगेट का वेट जाके कर लेंगे हम अपने वेट मशीन पे। इसका जो वेट आएगा वो हमारा क्या होगा W1, टोटल वेट इसका हम नोट कर लेंगे हमारा क्या होगा W1। उसके बाद से जब हम अपना उसमें प्लंजर फीड कर लेंगे और ले जाएंगे CTM मशीन पे, CTM मशीन अपना ऑन करेंगे और इसमें जो हम लोड अप्लाई करेंगे 4 टन पर मिनट के हिसाब से 40 टन लगाएंगे, 4 टन पर मिनट के हिसाब से 40 टन लगाएंगे। उसके बाद से जो उसके अंदर प्लंजर है उस प्लंजर को बाहर निकालेंगे, बाहर निकालने के बाद उस टोटल एग्रीगेट को ले आएंगे और एग्रीगेट को ले आने के बाद हम 2.36 mm चालनी से उसको फिर सीव करेंगे। सीव करने के बाद जो 2.36 mm सीव से पास होगा उस पार्टिकल को अलग रखेंगे, जो रिटेंड होगा उस पार्टिकल को अलग रखेंगे, जो रिटेंड हुआ है उसको हम छोड़ देंगे, जो पास हुआ है उस
पार्टिकल को हम उस पार्टिकल का क्या करेंगे, वेट करेंगे। वेट करने के बाद उसका जो वैल्यू आएगा उसको हम मानेंगे W2, वो हमारा क्या होगा W2। यही जो पासिंग पार्टिकल है ये हमें बताएगा कि जो हमारा एग्रीगेट था वो कितना क्रश हुआ, जितना हम लोड इस पर अप्लाई किए थे उस लोड में ये कितना क्रश हुआ। इसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एसीबी एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू परसेंटेज इक्वल टू W2/W1 × 100%, जहां W2 हमारा टोटल वेट ऑफ अ गिवन सैंपल ऑफ एग्रीगेट है। इसमें दोनों चीज़ होगा, आपका सैंपल ऑफ एग्रीगेट का वेट होगा प्लस हमारे पास जो हमारा मोल्ड है उसका वेट होगा। तो मोल्ड का वेट और सैंपल का वेट जब हम टेस्ट परफॉर्म कर लेंगे तो मोल्ड का वेट अलग से कर लेंगे और सैंपल टोटल वेट में से उसको घटा देंगे, तो हमारा सिर्फ और सिर्फ सैंपल का जो हमारा सैंपल है उसका वेट निकल आएगा। तो सैंपल का वेट होगा हमारा W1 और जो W2 हमारा 2.367 से पास हुआ है उससे उसका हमारा हो जाएगा W2। जब W2/W1 × 100 करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू निकल के आएगी, उस वैल्यू से जो हमारा ये ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन हो गया, जो हमारा रिजल्ट होगा उस वैल्यू से हम ये पता करेंगे कि हमारा जो एग्रीगेट है वो कितना स्ट्रांग है। जनरली हम ये मान के चलते हैं IRC इंडियन रोड कांग्रेस के अकॉर्डिंग जो हमारा टॉप बियरिंग कोर्स होगा उसके लिए हम जो रीडिंग लेते हैं वो लेस देन 30% होना चाहिए, 30-35 मानते हैं, लेकिन 30% होगा तो हमारा ये वेरी स्ट्रांग है और बेहतर है। इससे जितना कम होगा उतना ही हमारा एग्रीगेट क्या माना जाएगा, बेस्ट माना जाएगा। और जो बेस कोर्स होता है उसके लिए हम 45% से 50% तक ले सकते हैं, जनरली हम 45% मानते हैं। उसके बाद से जो हमारे प्रिकॉशंस हैं 1, 2, 3, 4, 5 करके ऐसे बहुत सारे प्रिकॉशंस होते हैं, जैसे जब भी हम अपना एग्रीगेट लें तो जो भी हम उसका वेट लें बहुत ही माइनर तरीके से लें। उसके बाद से जो हम एग्रीगेट लिए हैं सब उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, उसको ओवन ड्राई किए हों, और जो भी हम अपना स्टेप फॉलो कर रहे हैं टेस्ट प्रोसीजर में वो बी केयरफुल करेंगे, किसी भी तरीके का उसमें गलती नहीं करेंगे। जैसे कि हमारा CTM मशीन है वो हमारी बॉडी लैंग्वेज को नहीं समझेगा, जो भी हम उस पर अपना वर्क परफॉर्म करेंगे उसी को वो समझेगा। यदि उससे जहाँ इधर उधर कुछ करेंगे मशीन में कोई दिक्कत होगा, हमें हार्म हो सकता है।